आगामी वर्षाकाल को देखते हुए होमगार्ड एवं एसडीआरएफ द्वारा किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारियां जारी हैं। इसके तहत एक QRT का गठन किया गया है, जिसमें 10 सदस्यों की 3 टीम है। टोटल 30 लोगों की ये टीम लगातार मॉनिटरिंग करेगी। इसके अलावा 20 जवान तैराक दल के तैयार हैं, जो किसी भी आपदा के समय में फौरन भेजे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज़िले का अवलोकन कर कुछ पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां 6 जवान बोट तथा बाढ़ बचाव उपकरणों से लैस कार्यालय में तैनात रहेंगे, और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसे आपातकाल में कॉल करके सहायता मंगवाई जा सकती है। आगामी मानसून काल को देखते हुए होमगार्ड एवं SDRF विभाग द्वारा बारिश काल के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। इसमें जो है हमने QRT का गठन किया है, जो कार्यालय में ही रहेगी, और ये QRT 3 शिफ्टों में तय की गई है, जो 24 घंटे कार्य करेगी। प्रत्येक QRT में 10 सदस्य हैं, इस तरह कुल 30 लोग जो है QRT में कार्यरत रहेंगे। और इसके अलावा करीब 20 जवानों का भी हमने जो तैराक दल यहाँ रिजर्व रखा हुआ है, कि अगर किसी क्षेत्र में आकस्मिक रूप से ज़्यादा बारिश होती है या जल भराव की स्थिति आती है, तो हम अधिक संख्या में पार्टी पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा हमने ज़िले का भी जो है अवलोकन किया, और ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहाँ जल भराव की स्थिति आती है, तो हमने 4 DRC जो है ज़िले में तैयार किए हैं, जिनमें से एक जो है ग्वारी घाट पे है, जो हमारी 12 माह DRC रहती है। इसमें बोट और करीब 6 जवान 24 घंटे मौजूद रहते हैं। इसके अलावा मझौली, पनागर और सरस्वती घाट पर भी हमारी हमने DRC तैयार की है, जिसमें 5 तैराक जवान बाढ़ बचाव उपकरणों और बोट के साथ तैनात हैं। और हमारा जो कार्यालय का लैंडलाइन नंबर है, इसको ही हमने कंट्रोल रूम के तौर पे तैयार किया है, और इसमें एक सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी को EOC का प्रभारी बनाते हुए 24 घंटे के लिए उनकी ड्यूटी लगाई गई है। अगर ज़िले से किसी भी तरह की आपदा या इस तरह की जल भराव की सूचना प्राप्त होती है, तो तत्काल हमारी टीम द्वारा जो है स्थल पर पहुँचकर राहत बचाव कार्य किया जाएगा।